ओ जाइजो, अरे ऐसा मत करो ना, इतने ऊपर क्या करना। हाँ, आज जो एमआईएम की ओर से मेमोरेंडम दिया गया है, डिमांड क्या की गई है आप लोगों की तरफ से? 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत अमल में आई थी, उसके बाद तकरीबन 28 साल मुकदमा चले और सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो बाबरी मस्जिद का जज्बात की बुनियाद पर, आस्था की बुनियाद पर फैसला कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे उलमाए कराम की हिदायत के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा ने उसको कबूल किया, लेकिन उसके जो मुलजमीन थे उन्हें भले ही सीबीआई कोर्ट ने रिहा कर दिया हो, लेकिन हमारे आज यही डिमांड लेकर हम आए हैं कि उन मुलजमीन को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए मज़ीद आगे की जो अदालत है उसमें को बाज़ाब्ता हुकूमतों को भी नुमाइंदगी करनी चाहिए और ऐसे मुलजमीन के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये आज एक बाबरी मस्जिद का मामला नहीं है, बल्कि इस मुल्क से मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने वाली जो ताकतें हैं, जो नफ़रत फैलाने वाले सौदागर है, वो इस मुल्क में कई मसाजिद को निशाना बनाना चाहते हैं। तो हमारा यही कहना है कि एक मस्जिद के बाद अगर दीगर मसाजिद को निशाना बनाने की ये लोग साजिश रखते हैं तो ऐसे लोगों पर हुकूमत अभी से शिकंजा कसे, न सिर्फ शिकंजा कसे बल्कि उनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पहले उन लोगों के ख़िलाफ़ करे जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत में प्रैक्टिकल रोल प्ले किया था, और बाद में उन तंजीमों पर, उन जमातों पर और उन अफराद पर जो है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो अब बाबरी मस्जिद के बाद दीगर मसाजिद को निशाना बनाना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद के एक मसले को मुसलमानों ने, हिंद ने कबूल कर लिया है, लेकिन हम नहीं समझते कि अगर आने वाले दिनों में ऐसे कोई मामला सामने आते हैं तो ये मुल्क में जो है तो दो तबकात के बीच में नफ़रत को फैलाने का एक मज़ीद जो है तो एक बड़ी साजिश होगी जिसको हम सबको मिलकर नाकाम बनाना है। और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वह ऐसे अफराद और ऐसी जमातों और तंजीमों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो नफ़रत फैला कर मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है तो लोगों में नफ़रत फैलाने का काम करेगी। 6 दिसंबर के दिन हर साल एमआईएम की ओर से काला दिन मनाया जाता है, इस साल क्यों नहीं मनाया गया? हमारे प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब की हिदायत पर हमने इस साल भी काला दिवस मनाया। एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने और हर बाशऊर मुसलमान ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर दिन भर बांधे रखा एक एहतजाज के तौर पर, लेकिन चूंकि कोविड का दौर है और किसी किस्म के कोई एहतजाज की पुलिस इंतजामिया की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही थी, इसीलिए हमने भी जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा लिहाज रखते हुए इंतजामिया का सपोर्ट किया, उनके साथ ताउन किया और काली पट्टी बांधकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। कल जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है, किसानों के समर्थन में पूरे मुल्क भर में समर्थन किया जा रहा है, औरंगाबाद शहर में भी बंद रहने वाला है, बहुत सारी तंजीमों ने इसका भी सपोर्ट किया है, क्या एमआईएम का भी सपोर्ट है किसानों के आंदोलन को? बिल्कुल, किसान जो है तो इस मुल्क की माशियात, इस मुल्क की इकनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, अगर वो परेशान हो गए तो सारा मुल्क परेशान होगा। तो मजलिस तो मुल्क को मुत्तहद करने का, मुल्क को मजबूत करने का काम करती है और किसानों के मसाइल से अपने आप को हम चश्मपोशी के साथ अंधेरे में नहीं रख सकते, हम किसानों के साथ खड़े हैं। बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ तक कहा है कि किसानों के मसाइल के हल के लिए वो जब भी आवाज़ देंगे, जहाँ भी आवाज़ देंगे, मजलिस अपनी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े रहेगी। एमआईएम के कार्यकर्ता कल शहर बंद करवाने के लिए रास्ते पर उतरेंगे? रास्ते पर उतरना नहीं, उतरने का फैसला चूंकि अभी नहीं हुआ है, आज शाम में हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें फैसला होगा कि हम बंद को किस तरीके से कामयाब करें, लेकिन बंद जो भी करेंगे हम जमहूरी तरीके से करेंगे और एक लीगल फ्रेम में रहकर जो है तो अपना लोकतांत्रिक तरीके से जो है तो हम अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।